बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और सब्जेक्ट इज़ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड टुडे वी नीड टू डू लैब नंबर 9 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम प्रैक्टिकल सेशन। एंड एज यू नो योर इंस्ट्रक्टर इज़ राहिला खालिद। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द ऑब्जेक्टिव। सो द ऑब्जेक्टिव इज इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स यूज इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। मुख्तलिफ किस्म के एड्रेसिंग मोड्स जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में इस्तेमाल होते हैं, हमने उसका इंट्रोडक्शन देखना है, उन एड्रेसिंग मोड्स को पढ़ना है, समझना है कि उसको किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ एड्रेसिंग मोड्स को एक्सेस किया जा सकता है और किस तरह से डिफरेंट एंट्रीज मेमोरी में पड़ी हुई होती हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के एड्रेसिंग मोड के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है। And since we are dealing with 8086 microprocessor, so we need to see the addressing modes of 8086 microprocessor over here. Okay, first of all, we need to go through theory session, obviously, and then we will go through the program, or you can say that the programming session. So, the way of specifying data to be operated by an instruction is known as addressing mode. Data ऑब्वियसली मेमोरी में पड़ा हुआ होता है, यह सब लोगों को पता है, और डाटा के ऊपर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो डाटा के ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब मुझे कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है डाटा पे, तो मुझे उस डाटा को मेमोरी के अंदर किस तरह से स्पेसिफाई करना है, उस किस्म के तरीके कार को एड्रेसिंग मोड कहते हैं। कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल किस्म के तरीके कार हैं जिससे हम डेटा को मेमोरी के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। नेक्स्ट, दिस स्पेसिफाई दैट द गिवन डेटा इज एन इमीडिएट डेटा और एन एड्रेस। डेटा जो है वो हमारा कोई एक इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है, एक डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है, या फिर एक एड्रेस भी हो सकता है जो कि फर्दर आपको एड्रेस देगा डाटा का। इट आल्सो स्पेसिफाई वेदर द गिवन ऑपरेंड इज रजिस्टर और रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि एड्रेसिंग मोड ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि ऑपरेंड एक रजिस्टर है या एक रजिस्टर पेयर है। ऑपरेंड क्या होता है ये फर्दर स्लाइड में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको बताती चलूँ। ऑपरेंड वो है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो डाटा या वो मेमोरी कंटेंट जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपरेंड है। तो इस स्लाइड में हमें पता चला, इन तीन बुलेट से हमें ये पता चला है कि एड्रेसिंग मोड जो है वो मेमोरी के अंदर पड़े हुए डाटा को या ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के तरीकेकार हैं। अब सेकंड से ये पता चला कि वो जो हमारे पास जो हम स्पेसिफाई करते हैं डाटा, वो कोई डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है या फिर वो एक एड्रेस भी हो सकता है जो कि फर्दर हमें वैल्यू का पता देगा, बताएगा, रास्ता बताएगा या उसकी जगह बताएगा या लोकेशन बताएगा। इट ऑल्सो स्पेसिफाई वेदर द गिवन ऑपरेंट इज रजिस्टर और अ पेयर ऑफ रजिस्टर। और ये भी इट ऑल्सो स्पेसिफाई, ये स्पेसिफाई भी कर सकते हैं एड्रेसिंग मोड कि जो आपका ऑपरेंट है वो एक रजिस्टर है या फिर एक पेयर ऑफ रजिस्टर है। अभी नेक्स्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ऑपकोड एंड ऑपरेंट। सो वी नीड टू सी व्हाट इज ऑपकोड एंड व्हाट इज ऑपरेंट। ऑपकोड इज ऑपरेशन कोड, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपकोड। We want to perform addition, it will also store in the opcode. If we want to perform subtraction, it will always store in the opcode. So opcode will justify or opcode will define what kind of operation we want to perform on the data. And what is operand? The quantity on which an operation is to be done. The quantity or data on which an operation is to be done is known as operand. So this is very simple slide but very important at the same time. Is
इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड मैनीमोनिक्स एंड ऑपरेंड. यू नो दैट इंस्ट्रक्शन इज अ इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स एंड दे द पार्ट्स आर ऑपकोड एंड ऑपरेंड. मैनीमोनिक्स आर मूव एड सब्ट्रैक्ट एक्सेट्रा. ऑपरेंड इज डेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे इंस्ट्रक्शन. व्हेन आई एम रीडिंग फर्स्ट बुलेट ऑफ दिस स्लाइड, इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड स्लैश मैनीमोनिक एंड ऑपरेंड. यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑपकोड मैनीमोनिक्स और ऑपरेंड पे कंसिस्ट करेगी. दो चीज़ें उसमें लाजमी होंगी, एक ऑपरेशन कोड, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और एक ऑपरेंड यानी कि वो डाटा एंट्रीज या वो डाटा जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म होना है. अब मैनीमोनिक्स क्या होते हैं? मैनीमोनिक्स आर मूव एट सब एक्सेट्रा. मैनीमोनिक्स हम वो वर्ड, हम वो जो उसको क्या कह सकते हैं, हम वर्ड स्पेसिफाई कर देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू परफॉर्म एडिशन, आई हैव गिवन मैनीमोनिक एड ए डबल डी एड मैनीमोनिक टू एडिशन ऑपरेशन एंड आई हैव गिवन एस यू बी सब फॉर द subtraction operation and I have given MOV move for move operation and you know that the operand is data, operand always gonna be a data. Now I'll see an instruction. This is the instruction move AX comma BX and you always know that AX gonna be destination and after comma BX gonna be source and data will move from source to destination as the arrow is seen above AX and BX, the movement shown by the arrow. Here the movement is shown by the arrow, movement of data. Move command, we use move command over here, then move will be a operation code over here. Move will be a operation code over here. At the same time, move can also be seen as mnemonic because I specified MOV for move operation. Now you can see that AX, BX are the operands. They are the operands on which operation has to be performed. An operation is move operation, which is represented by opcode over here. Now we need to see some important terminologies about address. What kind of addresses are present in our memory? So we need to see some important terminologies and the definition. So let's start. Physical address. It is a 20-bit long address, which is a combination of base address plus offset address. Every physical address is different from logical address. And you at the end of this slides, I'll give you a task that difference between you have to evaluate the difference between physical address and a logical address. But a complete physical address is a combination of base address plus offset address, and it's a 20 bit long address in 8086 microprocessor. What is base address? Base address is an address serving as a reference point for other addresses. It is a reference point for other addresses. Base address is a unique location. Okay. I would like to give example over here before reading the next bullet. A base address is an address serving as a reference point for the other addresses. For example, if I want to reach Shahrukh Nialam Colony X block and house number XXX and I'm in NFC IT and I have to tell somebody else the address, तो मैं उसको कैसे बताऊंगी? मैं उसे कहूंगी कि चौक कुमारा would be our reference address, base address. उसके आगे आप 6 किलोमीटर add करें तो शाहरुख नालम कॉलोनी का X block, for example, for sake of an example. उसके आगे 6 किलोमीटर आप add करें तो आपका शाहरुख नालम X block और house number XXX में से आप ये data की entry को fetch कर सकते हैं. तो हमारा रेफरेंस एड्रेस यहाँ पर क्या हुआ? चौक कुम्हारा. जब तक वो ही हमें नहीं मालूम होगा, हम नेक्स्ट किसी भी एंट्री को
कोई भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह, कोई भी डिस्टेंस आगे फर्दर ऐड करके नहीं फेच कर सकते। तो बेस एड्रेस क्या होगा? बेस एड्रेस इज एन एड्रेस सर्विंग एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द अदर एड्रेसेस। ओके नेक्स्ट, बेस एड्रेस इज अ यूनिक लोकेशन इन प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी दैट सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अदर मेमोरी लोकेशन कॉल एब्सोल्यूट एड्रेसेस। ठीक है, बाकी मेमोरी लोकेशंस को वो रेफर करेगा जिनको हम एब्सोल्यूट एड्रेसेस कहते हैं। इन ऑर्डर टू अपटेन एन एब्सोल्यूट एड्रेस अ स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज एडेड टू द बेस एड्रेस। व्हाट इज एब्सोल्यूट एड्रेस? एब्सोल्यूट एड्रेस वो होता है जो कंप्लीट एड्रेस हो। तो मुझे अगर किसी भी डाटा एंट्री का एब्सोल्यूट एड्रेस फेच करना है तो मुझे बेस एड्रेस उसका और उसका डिस्प्लेसमेंट जो उसके अंदर ऐड होगा, लास्ट लाइन देखें, अ स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज एडेड टू द बेस एड्रेस। दोबारा से पढ़ते हैं इस लास्ट लाइन को। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट एड्रेस अ स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट और ऑफसेट वैल्यू इज एडेड टू द बेस एड्रेस। मुझे भी किसी डाटा एंट्री का पूरा एब्सोल्यूट एड्रेस फेच करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? उसका बेस एड्रेस और उसका ऑफसेट या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को कम्बिनेशन जो है वो मुझे उसका एब्सोल्यूट एड्रेस देगा। ठीक है, तो ये आप बात समझ में आ गई कि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो एक कंप्लीट एड्रेस होता है जो कि 20 बिट लॉन्ग एड्रेस होता है और कॉम्बिनेशन होता है बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस का। और बेस एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस जो है वो एक रेफरेंस एड्रेस होता है जो कि रेफर करता है दूसरी मेमोरी लोकेशंस को, जो कि रेफर करता है दूसरे एड्रेसेस मेमोरी लोकेशंस के, जो बताता है कि यहाँ अब इस मेमोरी लोकेशन में जा सकते हैं, मेमोरी लोकेशन के इस पार्ट में जा सकते हो, इधर जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे इसकी जो क्लियर होगा हमारे पास। अफेक्टिव एड्रेस ऑफसेट, अच्छा ये बात जहन नशी कर लीजिएगा कि अफेक्टिव एड्रेस को ऑफसेट एड्रेस भी बोला जाता है। अब ये होता क्या अफेक्टिव एड्रेस? ये एज अ डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि हम ऐड करते हैं बेस एड्रेस में ताकि हमें एक कंप्लीट एड्रेस मिल जाए उस ऑपरेंड का जिसको हम फेच करना चाहते हैं या जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। अफेक्टिव एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये ऑपरेंड का लोकेशन बताता है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ने या किसी भी ऑपरेशन ने परफॉर्म होना होता है। सिंस द ऑपरेंड इज द डेटा टू बी एक्सेस, क्योंकि ऑब्वियस ये लाइन बिल्कुल ऑब्वियस है, सिंस द ऑपरेंड इज द डेटा टू बी एक्सेस, क्योंकि ऑपरेंड ही वो डाटा है जिसको हमने एक्सेस करना है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक और डेफिनेशन है इसकी हुई है कि दिस इज एन अनअसाइंड 16 बिट नंबर दैट एक्सप्रेसेस द ऑपरेंड डिस्टेंस इन बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेगमेंट इन विच इट रिजाइड्स। ये एक अनअसाइंड 16 बिट नंबर है जो कि डिस्टेंस बताता है ऑपरेंड का कि वो एक सेगमेंट में कहाँ पड़ा है, स्टार्ट से सेगमेंट के स्टार्ट से लेकर वहाँ डाटा एंट्री तक का डिस्टेंस बताता है। और आपको पता है यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक लैब टास्क दिया हुआ है कि आप ये देखेंगे सेगमेंटेशन क्या होती है। तो ये सब चीज़ें थ्योरी में बहुत अच्छे से आपने डिटेल से पढ़ी हुई होंगी, बट इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सेगमेंटेशन हमारे पास ये होता है कि हम जो है वो चार जो हमारे पास सेगमेंट हैं बड़े सेगमेंट उसमें हम पूरी मेमोरी को डिवाइड कर लेते हैं। वो है हमारे पास कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड अनदर वन इज सीएस, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट एंड द लास्ट वन इज डाटा सेगमेंट। तो हम इन चार सेगमेंट्स में पूरी मेमोरी को डिवाइड कर लेते हैं। हर एक सेगमेंट 64 के बाइट की लोकेशन को रिजाइड किया हुआ कवर किया हुआ है उसने। अब एंट्री जो है वो इन सेगमेंट्स में ही कहीं ना कहीं पड़ी होगी जिस एंट्री पे हमने या जिस कंटेंट पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अफेक्टिव एड्रेस क्या करता है? अफेक्टिव एड्रेस 16 बिट का होता है, ये डिस्टेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट, कोड सेगमेंट में हमारी एंट्री पड़ी हुई है, कंटेंट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अफेक्टिव एड्रेस वो बताएगा कि ये कोड सेगमेंट
केस कोड सेगमेंट जो सेगमेंट है उसमें ये आपकी डाटा एंट्री कहाँ पड़ी हुई है उसका डिस्टेंस बताएगा, सेगमेंट के स्टार्ट से लेकर उसकी लोकेशन तक का डिस्टेंस जो है वो इफेक्टिव एड्रेस आपको बताएगा, जिसको हम ऑफसेट भी कहते हैं। तो बेस प्लस ऑफसेट गोना बी ए कंप्लीट एड्रेस। अब देख लेते हैं कितनी तरह के एड्रेसिंग मोड्स हैं हमारे पास। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। सो वी गोना सी ईच एंड एवरी एड्रेसिंग मोड मेंशन इन दिस स्लाइड वन बाय वन अलोंग विद द एग्जांपल्स। दिस इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, अ फर्स्ट एड्रेसिंग मोड इन द प्रीवियस लिस्ट। So we'll see what is the immediate addressing mode. In immediate addressing mode, the operand is specified in the instruction itself. In this mode, the data is 8-bit or 16-bit long and data is a part of the instruction. तो एक चीज यहाँ पर बिल्कुल सिंपल और क्लियर है कि जो डाटा है जिसके ऊपर ऑपरेशन ने परफॉर्म होना है या जो ऑपरेंड है हमारा वो चाहे 8 बिट का हो या 16 बिट का, वो आपकी इंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इंस्ट्रक्शन सेट ओवर हियर फॉर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। हियर वी हैव ऑप कोड, ऑब्वियसली ऑपरेशन कोड वी हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी गोना परफॉर्म। एंड हियर इन प्लेस ऑफ ऑपरेंड वी हैव द डाटा, वी हैव द डाटा टू विच वी वॉन्ट टू ऑपरेट द ऑपरेशन। For example, move AX, 2000, move CL, OA. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2000 है जो वैल्यू है इसको हमने AX में मूव करवाना है। अब जिस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसको हमने AX में मूव करवाना है वो फॉर्चुनेटली इस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ही आपका डाटा पड़ा हुआ होगा। ऑपरेंड जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल ऐड AL, 45। फॉर एग्जांपल 45 को हमने AL में ऐड करवाना है तो AL में अगर 45 ऐड होगा तो 45 जो है वो हमारा ऑपरेंड है, 45 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और वो और AL पे भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दोनों। तो ये दोनों जो है इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इंस्ट्रक्शन में गिवन है, हमें बाहर से फेच करके नहीं लाना पड़ रहा, हमें यहाँ पे कहीं एड्रेस नहीं गिवन इनका कि भाई ये एड्रेस है यहाँ से ये फेच किए जा सकते हैं। नो, वी हैव द ऑपरेंड डायरेक्टली ओवर हियर इन द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट डायरेक्ट मोड, द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन एज एन 8-bit और 16-bit डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट। In this addressing mode, the 16-bit effective address of the data is the part of the instruction. Basically, यहाँ पर direct mode में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास direct data नहीं होगा, operand नहीं होगा, बल्कि instruction set में opcode होगा और operand का यानी कि data का effective address होगा हमारे पास। इस effective address को हम displacement भी कहते हैं, offset भी कहते हैं, या आप लोग को पता है, जानते हैं आप लोग। तो ऑपरेंड का जो ऑफसेट है वो 16 बिट का हो या 8 बिट का हो, जितने बिट का भी हो, वो इफेक्टिव एड्रेस हमारे पास होगा। वो इफेक्टिव एड्रेस बताएगा कि मेमोरी में डाटा की लोकेशन कहाँ है, कौन कहाँ पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर डाटा जिसको हम फेच करना चाहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में आपके पास एड्रेस होगा, डाटा नहीं होगा। सो दिस इज द डायरेक्ट मोड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मूव AX, इन ब्रैकेट डिस्प्लेसमेंट, और याद रखेंगे डायरेक्ट मोड को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब ब्रैकेट्स में लिखा है और डिस्प्लेसमेंट मेंशन कर दिया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें एक्चुअली डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट वाली जो एलिमेंट है ये हमें एड्रेस दे रहा है, इफेक्टिव एड्रेस दे रहा है डाटा का मेमोरी में। मूव AX, इन ब्रैकेट 0500, दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट विच इज
given a going to give an address of the operand in the memory. Indirect addressing mode. Use a register to hold the actual address of the operand. Basically, indirect addressing mode और direct addressing mode एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं. Previously अभी जो direct addressing mode हम लोगों ने पढ़ा उसमें यह था कि instruction set में आपके पास address होता था operand का जो कि memory में कहीं पड़ा है. But अब indirect addressing mode में instruction ये instruction set है opcode. अब इंस्ट्रक्शन सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे. ऑपकोड होगा यानी कि ऑपरेशन कोड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है और एक रजिस्टर होगा. उस रजिस्टर के पास इफेक्टिव एड्रेस होगा जो कि आपके ऑपरेंड को पॉइंट आउट करेगा मेमोरी में. ये कहलाएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. यानी कि अब हमें ऑपरेंड मिल रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से. प्रीवियसली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट तरीके से मिल रहा था. डायरेक्ट हमारे पास उसका इफेक्टिव एड्रेस था जो कि हमें पॉइंट आउट कर रहा था कि मेमोरी में ऑपरेंड आपका फलां फलां लोकेशन में पड़ा हुआ है और हम उसको इजीली फेच कर सकते हैं. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपको ऑपरेंड इनडायरेक्ट तरीके से पता चल रहा है. इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट वे. डायरेक्ट वे वो होता कि इफेक्टिव एड्रेस अगर आपके पास पड़ा हुआ होता. यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट में आपके पास ओप कोड है और एक रजिस्टर है जिसके पास इफेक्टिव एड्रेस है ऑपरेंड का जो कि मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ है और आपको चाहिए और उसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ठीक है. एग्जाम्पल क्या कहते हैं इसकी. एड एक्स विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर बाय द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय एक्स. ठीक है. ए एक्स ए सी एक्यूमुलेटर ए सी प्लस ये एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल ब्रैकेट शोज द इनडायरेक्ट मोड. व्हेन एक्स इज एडेड इनटू द एक्यूमुलेटर द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी ग्रेटर देन द एज कंपेरिजन द वैल्यू placed in the memory location. You can see over here. जब भी हम add करेंगे x में accumulator की add x will increment the value stored in the accumulator. ठीक है. जब भी हम add करेंगे तो accumulator की value increase हो जाएगी by the value stored at the memory location specified by x. ठीक है. As comparison to the वैल्यू जो कि मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई है और वो उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं हम एक्स से. ये एक तरह की एग्जांपल थी इसकी. सो वी आर डन ओवर विद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड को. जी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड इज प्लेस इन वन ऑफ द 8 बिट और 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर. रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आपका ऑपरेंड जो है वो कोई भी 8 बिट या 16 बिट रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ होगा. डाटा इज इन द रजिस्टर दैट स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन. तो सिंपली यहाँ पर आपका जो डाटा है वो किसी भी रजिस्टर के अंदर होगा और रजिस्टर स्पेसिफाई करेगा आपके डाटा को. एग्जाम्पल मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स. अब यहाँ पर जो बी एक्स में कॉन्टेंट होगा वो ए एक्स में मूव कर जाएगा. एक्स और ए एक्स कॉमा डी एक्स. एक्स और का ऑपरेशन करें ए एक्स और डी एक्स के कॉन्टेंट्स के ऊपर. एड ए एल कॉमा बी एल. एड करवाना है ए एल के कॉन्टेंट को और बी एल के कॉन्टेंट को. तो सिंपली ये रजिस्टर मोड इज वेरी सिंपल एंड ईजी. नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड. इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंट ऑफसेट इज प्लेस इन वन ऑफ द रजिस्टर. यहाँ पे आप ये नोट करें कि रजिस्टर मोड जो प्रीवियस पढ़ा उसमें कंटेंट था अवेलेबल रजिस्टर के अंदर. यहाँ पर रजिस्टर के अंदर कंटेंट का ऑफसेट एड्रेस होगा या कंटेंट का इफेक्टिव एड्रेस होगा. बी इन मेनी ऑफ द रजिस्टर बी एक्स बी आई एस आई डी आई एस स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन. इन रजिस्टर्स के अंदर आपका ऑपरेंड का ऑफसेट एड्रेस पड़ा हुआ होगा. इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डाटा इज इन द बेस रजिस्टर और एन इंडेक्स रजिस्टर दैट इज स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन. इफेक्टिव एड्रेस जो है वो डाटा का वो बेस रजिस्टर में होगा या फिर एक इंडेक्स रजिस्टर में होगा ये इंस्ट्रक्शन आपको बताएगी. अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके किस तरह से इसको हम देख सकते हैं स्पेसिफाई कर सकते हैं डाटा को. इंस्ट्रक्शन जो है उसमें है ऑपकोड और ऑपरेंड की जगह यहाँ पे रजिस्टर है. रजिस्टर जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है एक इफेक्टिव एड्रेस को और इफेक्टिव
इफेक्टिव एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है डाटा को। यहाँ रजिस्टर के अंदर डाटा नहीं पड़ा, जो कि प्रीवियस आप रजिस्टर मोड में देख सकते थे। ये है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में रजिस्टर के अंदर इफेक्टिव एड्रेस होगा, जो कि फर्दर डाटा का बताएगा कि मेमोरी में वो डाटा कहाँ है। एग्जाम्पल देख लें इसकी, मूव ए एक्स कॉमा डी आई ब्रैकेट में मूव एड एल कॉमा बी एक्स इन ब्रैकेट। तो बी एक्स बी पी एस आई डी आई इन रजिस्टर बेस रजिस्टर्स या इंडेक्स रजिस्टर्स, इन रजिस्टर्स में से किसी एक रजिस्टर में आपको इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ मिलेगा उस मेमोरी कंटेंट का जिसको आप फेच करना चाहते हैं। ये है बेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इन रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड ऑपरेशन कोड व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वांट टू परफॉर्म प्लस इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर व्हिच इज गिविंग द एड्रेस बेस एड्रेस एंड प्लस डिस्प्लेसमेंट। So when we add base address plus displacement, it will become an effective address and then it will point out the data or memory content in the memory location which we want to fetch or which we want to access for the operation. For example, move AX, BX plus 1234H. BX gonna give the base address plus 1234H is the memory content, is the displacement actually. This is the memory content. This is the displacement of memory content. 1234H. It is the displacement of memory content which is added into the base address which is carrying BX register, and this will become gonna be the complete effective address which will point out the data present in the memory location. Based index addressing mode. In this addressing mode, the offset address of the operand is given by sum of the content of BX BP register and SI or DI register. Okay, यहाँ पे ये clear है कि operand का जो offset address है वो इन BX BP register, base registers या index registers का sum होगा। इंस्ट्रक्शन क्या है, opcode, you know, operation code, base register जो है वो आपको देगा base address, इंडेक्स रजिस्टर देगा आपको इंडेक्स। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे ये इफेक्टिव एड्रेस बनेगा जो कि आपको डाटा को स्पेसिफाई करेगा मेमोरी में कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, और फिर आप डाटा को एक्सेस करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत है। एग्जांपल क्या है, मूव ए एल कॉमा बी पी प्लस एस आई बी एक्स प्लस डी आई, ठीक है, बेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर, इधर भी बेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर, जो मिलकर आपको एक ऑफसेट बनाता है या एक इफेक्टिव एड्रेस बनाता है। Now we need to see the program examples of this related objective. मैं आप लोगों के साथ एक document attach कर रही हूँ जिसमें हर एक addressing mode के related program example दी हुई है, और आपको उसको emulator 8086 के software में perform करना होगा, और उससे related आपको कोई भी problem आ रही है, कोई भी आपकी queries हैं, कोई भी आपको कहीं error आ रहा है, कहीं मेमोरी लोकेशन समझ नहीं आ रही, कोई भी क्यूरी है किसी भी किस्म की, आप वो अपने पेपर पे राइट डाउन कर लेंगे और टुमारो जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें हम इस क्यूरीज को सॉर्ट आउट करेंगे और आपको बताएंगे। लैब टास्क, इस लैब से रिलेटेड लैब टास्क आपका जो है वो है टू रीड सेगमेंटेशन, आपको सेगमेंटेशन को रीड करना है, एंड टू परफॉर्म, ये एक आपको एक क्वेश्चन दिया है टू परफॉर्म, इस क्वेश्चन को आपने परफॉर्म करना है बाय यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड वो होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका
इंस्ट्रक्ट जिसमें आपका जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है, यानी कि वेरी फास्ट एड्रेसिंग मोड जो हमने पढ़ा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो बहुत आसान है, पहले आप लोगों ने किया हुआ है। हिंट इससे रिलेटेड ये है कि ऐड सब्ट्रैक्ट आप लोगों ने पहले किए हुए हैं, उसी तरह से होगा, बट कुछ इसमें आपको खुद से ट्राई करनी है चीज़ें, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं, लेकिन होपफुली ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो विश यू वेरी गुड लक, सो आई विल सी यू इन टुमारो सेशन इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, अल्लाह हाफिज़।